हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट पे लेटर से अगर आपने ईएमआई पे कोई भी सामान खरीदा है तो उसका पेमेंट कैसे करते हैं। यहाँ पे जो है मैं आप सभी को एक पेमेंट करके भी दिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ जो है मैं आप सभी को इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि पेमेंट जो है किस तारीख को किया जाता है। अगर आपके खाते में जो है पैसा है तो क्या वो पैसा ऑटोमेटिक कट जाएगा, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में भी जो है इस वीडियो में मैं आप सभी को पूरी जानकारी दूँगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है और हमको जाना है यहाँ पे कैटेगरी में। कैटेगरी में हम क्लिक कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है हम क्रेडिट पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पास, और ये जो है हमारा फ्लिपकार्ट पे लेटर का जो ये ऑप्शन है ये ओपन हो चुका है। चलिए जो है व्यू समरी पे हम कर देते हैं क्लिक, और ये पेज जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ओपन हो गया है। अब हमने जो है फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो है ईएमआई पे एक मोबाइल ख़रीदा था, और हमने ख़रीदा था आठ जून 2022 को, और जिस दिन हमने जो है अपना मोबाइल ख़रीदा था उस दिन जो है हमको एक भी पैसा पेमेंट नहीं किया था। ठीक है, जो हमारा ये लिमिट थी 35,000, उसमें से जो है हमारा मोबाइल का जो पैसा था उतना माइनस हो गया था और जो बैलेंस था वो यहाँ पर दिखाई दे रहा था। तो एक बार जो है मैंने पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो कितने लोग जो है सवाल पूछते हैं कि भैया जो है अगर हम ईएमआई पे मोबाइल ख़रीदेंगे फ्लिपकार्ट पे लेटर से जो है हमने अगर ईएमआई पे कोई भी मोबाइल ख़रीदा तो ऐसे सिचुएशन में क्या हम जब मोबाइल ख़रीदेंगे तो उसका पेमेंट जो है हमको पहले ही देना पड़ेगा कि कब देना पड़ेगा। तो जिस दिन आप अपना मोबाइल ख़रीदेंगे उस दिन जो है आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना रहता है। पेमेंट कब देना रहता है, जो किस्त रहती है वो कब जमा करनी रहती है। तो ये मोबाइल मैंने जो है 6 महीने के किस्त पे ख़रीदा है, यानी कि 6 महीने में जो है मेरे को 2,147 रुपये जो है हर महीने देना पड़ेगा। तो महीने के एक तारीख को जो है हमको पैसा पेमेंट करना रहता है। एक तारीख से जो है हम पहले भी कर सकते हैं। अगर हम एक तारीख से पहले नहीं किया या एक तारीख तक हमने नहीं किया तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में अगर आपके अकाउंट में पैसा है, यानी कि खाते में पैसा है, तो वो पैसा जो है आपके अकाउंट से कट जाएगा। ठीक, अगर आपके खाते में भी पैसा नहीं है और आपने जो है पेमेंट भी नहीं किया है तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो है आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो नीचे जाने लगेगा। अब क्रेडिट स्कोर नीचे जाने का मतलब ये होता है कि जब हमने यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर एक्टिवेट कर रहे थे ना, तो हमारा जो बैंक में जाकर फ्लिपकार्ट पे लेटर वाले जो है चेक करते हैं कि हमारी जो लेन देन है वो कैसी है। तो वो होता है भैया क्रेडिट स्कोर, तो वो अच्छा रहेगा तभी जो है हमको यहाँ पे फ्लिपकार्ट पे लेटर जो है हम एक्टिवेट कर पाएंगे। अगर लेन देन ख़राब रहेगी, जैसे कि हमको एक तारीख को जो है पैसा पेमेंट करना है, किस्त का जो है पैसा 2,147 रुपये में जो है 2,147 रुपये जो है हमको महीने के एक तारीख को पैसा देना है, हमने नहीं दिया, तो हमारा जो वो क्रेडिट है, जो हमारी लेन देन है वो ख़राब होगी और हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो नीचे आएगा। और नीचे आएगा तो हमको जो है अगर भविष्य में कभी भी कोई भी लोन लेना रहे या किस्त में जो है हम चाहें कि हम एक गाड़ी जो है फाइनेंस करवा लें या कोई भी सामान जो है किस्त में ख़रीद लें, तो वो चीज़ें जो है हमको मिलने में जो है दिक्कत होगी। तो ये जो है सभी सवाल जो मैंने यहाँ पे उठाए, जितने लोगों ने पूछे थे उनके जो है यहाँ पे जवाब देने की मैंने पूरी कोशिश की है। ठीक है, अब पेमेंट कैसे करना रहता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमको जो है 2,147 रुपये जो है पेमेंट करना है, तो हम जो है यहाँ पे वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर थोड़ी सा वेट करना है, और यहाँ पे जो है बोल रहा समथिंग रॉन्ग। चलिए एक बार फिर से मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो गया है। तो पूछ रहा है कि आप पेमेंट किससे करना चाहते हैं भैया, यूपीआई से, गूगल पे से, या यूपीआई से, या क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से। नीचे की तरफ जो है नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो कुल मिला के अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप अपने एटीएम कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, और यूपीआई चल रहा है तो यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। तो भैया जो है हमने गूगल पे से जो है पहले भी पेमेंट कर चुके हैं, तो मैं जो है यहाँ पे गूगल पे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ उस पर कर देना है क्लिक। अब क्लिक करने के बाद जो है आपको थोड़ी सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बोल रहा है कि आपको जाना है अपने गूगल पे में, तो यहाँ पर मैसेज आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, यहाँ पर हमको कर देना है क्लिक। ठीक है, ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रही होगी,
तो हमको जाना है गूगल पे में। चलिए यहाँ पे जो है आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है हम अपने गूगल पे को जो है ओपन कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे जो है जैसे ही अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, तो यहाँ पे पे वाला ऑप्शन जो है दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो, चलिए एक बार स्क्रीन शॉट लेकर देखते हैं। हाँ दिखाई दे रहा होगा। अगर ये ऑप्शन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो बैक आ जाइए। बैक आने के बाद जो है आप सभी को यहाँ पे जो है व्यू नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो यहाँ पे पे वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद जो है आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करके जो है पैसा पेमेंट कर देना है। अब हमसे जो है हमारा UPI पूछ रहा है, तो हम जो है यहाँ पे UPI दबा देते हैं। आपको स्क्रीन में शायद ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा हो, ठीक है। तो हमने जो है यहाँ पे UPI कर दिया और हमारा जो है पैसा यहाँ पे पेमेंट हो चुका है, ठीक। अब हमको क्या करना है कि हमको जो है जाना है फ्लिपकार्ट के एप्लीकेशन में, और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि हमने जो पेमेंट की है वो पेमेंट हो चुकी है। ओके वाले ऑप्शन पे हमको कर देना है क्लिक। तो दोस्तों हमने जो है इस महीने का जो है पेमेंट मतलब एक दिन दो दिन पहले ही जो मैंने यहाँ पे पैसा पेमेंट कर दिया था। 1 तारीख को पैसा पेमेंट करना था, आज तारीख है 29 जुलाई, तो 1 अगस्त को करना था। तो कुछ समय पहले करने से ये होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो काफ़ी अच्छा रहता है, ठीक है। और अच्छा रहेगा क्रेडिट स्कोर तो भैया हमको जो है भविष्य में लोन लेना रहे, या अगर हमारी लिमिट भी जो है फ्लिपकार्ट वाले जो बढ़ा सकते हैं, या कोई भी चीज़ अगर भविष्य में हमको कोई भी गाड़ी खरीदनी हो, लोन पे ख़रीदना हो ना, तो वो भी जो है हमको बड़े आराम से जो है मिल जाएगा, बड़े आराम से जो हमको किस्त मिल सकता है। तो लेन देन जो है काफ़ी अच्छी रखनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरीके से जो है आप फ्लिपकार्ट पे लेटर से अगर आपने EMI पे कोई भी सामान खरीदा तो इस प्रकार से जो है पेमेंट कर सकते हैं। वीडियो केवल इतनी थी, अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट करिएगा, चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।